सच्चे संत अर्थात परमात्मा के प्रचंड सामर्थ्य का भंडार उनका संकल्प बल क्या नहीं कर सकता। इस संदर्भ के अनगिनत उदाहरण हमें वेद शास्त्र एवं पुराणों में देखने को मिलते हैं। सच्चा हीरा कब तक छुपा रह सकता है। संत श्री लीलाराम जी के दैवी चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उन्हें संत श्री लीलाराम जी नहीं वरन पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के नाम से जानने लगे। यह नाम किस तरह पड़ा इस संदर्भ में अलग अलग प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। जब संत श्री लीलाराम जी जंगलों में जाकर रहते थे तब एक मुसलमान माली उन्हें रोज देखता था। उनके असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर माली के मन में होता कि इन साधु को कुछ खिलाऊं, परंतु उसे मन ही मन शंका होती कि क्या पता ये साधु मुसलमान के हाथ का कुछ खाएंगे कि नहीं। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। एक दिन वह मूली धो रहा था, इतने में तो वे साधु श्री लीलाराम जी उसके आगे आकर खड़े हो गए और बोले, जो खिलाना हो खिला, रोज रोज सोचता रहता है तो आज अपनी इच्छा पूरी कर। वह मुसलमान माली तो आश्चर्यचकित हो उठा कि इन साधु को मेरे मन की बात का पता कैसे चला। वह तो एकदम संत श्री लीलाराम जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहने लगा, सचमुच आप नूर इलाही हो, आप शाह हो, मुझे दुआ करो। ऐसा कहकर उसने दो मूली साफ करके धोकर संत श्री लीलाराम जी को दी। उन्होंने बड़े प्रेम से उन मूलियों को खाया। इस प्रकार उस मुसलमान माली ने संत श्री लीलाराम जी को लीला शाह जी के नाम से संबोधित किया। पूज्य स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के कथनानुसार सद्गुरु स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज ने कहा था, अब तू आध्यात्मिक मार्ग पर खूब आगे बढ़ चुका है, अतः तेरा नाम लीलाराम नहीं लीला शाह रखते हैं। फिर वे उन्हें लीला शाह के नाम से ही बुलाते थे। श्री लीलाराम जी जब बचपन में हंस निर्वाण आश्रम में स्वामी परमानंद के पास वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते थे तब उन्होंने श्री लीलाराम जी से कहा था, तू शाह है और शाह बनेगा। दूसरी एक अलौकिक घटना के कारण भी उनका नाम लीला शाह जी पड़ा था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उन दिनों में किसी जमीन की बाबत में हिंदू एवं मुसलमानों के आगेवानों के बीच में 30 वर्षों से झगड़ा चल रहा था। हिंदू कहते कि यहाँ हमारा झूलेलाल का मंदिर था और मुसलमान कहते कि यहाँ हमारी मस्जिद थी। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू एवं मुसलमान भीतर ही भीतर लड़ते रहे। दोनों पक्ष कोर्ट में धक्के खा खा कर थक गए। आखिरकार दोनों पक्षों ने विचार किया कि यह धार्मिक जगह है, हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के अग्रणी इकट्ठे हों, जिनके संत का प्रभाव ज़्यादा हो उन्हीं की यह धार्मिक जमीन मानी जाएगी। उस जमीन पर एक नीम का वृक्ष था जिससे उस जमीन की सीमा निर्धारित होती थी। दोनों पक्षों ने अंत में ठहराव पास किया कि जिस पक्ष का कोई पीर फकीर उस स्थान पर अपना कोई विशेष बल तेज या कोई चमत्कार दिखा देगा उस पक्ष की ही वह जमीन होगी। तब हिंदू लोग पहुँचे पूज्य श्री लीलाराम जी के पास एवं बोले, हमारे तो आप ही एकमात्र संत हैं, हमारे से जो कुछ हो सकता था वह सब हमने किया किंतु निष्फल रहे। अब पूरे हिंदू समाज की इज्जत आपके हाथों में है। अब तो संत कहो या भगवान, आप ही एकमात्र आधार हो। संतों के पास अहंकार लेकर जाने वाले खाली हाथ ही लौटते हैं, किंतु विनम्र एवं श्रद्धालु लोग शरणागति के भाव से जाते हैं तो संत की करुणा कुछ देने के लिए जल्दी बरस पड़ती है।
आए हुए लोगों की प्रार्थना सुनकर पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाराम जी महाराज उस स्थान पर जाकर जमीन पर दो घुटने के बीच सिर रखकर बैठ गए। विपक्ष के लोगों ने उन्हें इस प्रकार सहज एवं सरल रूप से बैठे देखा तो उन्हें हुआ कि यह साधु क्या करेगा, जीत तो हमारी ही होगी। पहले मुसलमान लोगों द्वारा आमंत्रित पीर फकीरों ने मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके वगैरह किए, किंतु कुछ न हुआ। फिर पूज्य श्री लीलाराम जी की बारी आई। पूज्य श्री लीलाराम जी बाहर से भले साधारण दिखते थे, किंतु उनके अंदर तो आत्मानंद ही लोरे ले रहा था। बाहर से कंगाल दिखते हुए भी भीतर से आत्ममस्ती में बैठे हुए संत जो बोले, उसे होने से कौन टाल सकता है। उनके द्वारा कहे गए शब्दों को झेलने के लिए तो समग्र प्रकृति भी दासी बनकर निरंतर तैयार खड़ी रहती है। भगवान श्री राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके सुखी रह सके। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, संत अवज्ञा सुनहु भवानी, जरहि भवन अनाथ की नाई। जब लोगों ने पूज्य श्री लीला राम जी से आग्रह किया, तब उन्होंने अपने मस्तक को धीरे से उठाया। सामने ही नीम का वृक्ष खड़ा था, उसके ऊपर दृष्टि डालकर गर्जना करते हुए उन्होंने आदेश दिया, ए नीम, यहाँ क्या खड़ा है, जा वहाँ जाकर खड़ा रह। बस ऐसा कहते ही नीम का बड़ा सा झाड़ सर सर करता खिसकने लगा एवं दूर जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर लोग तो अवाक रह गए, आज तक ऐसा चमत्कार किसी ने नहीं देखा था। अब तो विपक्ष के लोग भी पूज्य श्री लीला राम जी के पैरों पड़ने लगे। वे समझ गए कि पूज्य श्री लीला राम जी कोई सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने हिंदुओं से कहा, ये केवल आपके ही पीर नहीं हैं, परंतु आपके, हमारे और सभी के पीर हैं। आज से वे लीला राम नहीं परंतु लीला शाह हैं। तब से लोग उन्हें पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के नाम से जानने लगे। हरिओम।